रंग कर्मियों के लिए महानगर के रामगढ़ ताल स्थित बन रहे अत्याधुनिक प्रेक्षागृह और मुक्ताकाशी मंच का सोमवार को सदर सांसद रवि किशन शुक्ला द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने संबंधित अधिकारियों से बन रहे ऑडिटोरियम के निर्माण कार्यों के में प्रगति के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय से इसका निर्माण पूरा कर लिया जाए जिससे स्थानीय कलाकारों को नया मंच मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, इसका ये चल रहा है सर। आप लोग सोशल डिस्टेंस बना के रखिए। एक इधर में मिनी ऑडिटोरियम है, मेन ऑडिटोरियम बना दो। एक ही चीज निकलना है प्लेयर तो वो समस्या आएगी। ये टेक्निकली है ना, ये सोचना बहुत जरूरी है। इसको आप नोट करें, इसको आप नोट करें। एक एक आदमी बोलिए, इसको एंट्री भी मारना है क्योंकि ज्यादा देर अंधेरा, अगले सीन के लिए एक आदमी एंटर, तब अंधेरा और टेक्निकल चीज जैसे कि सीन में इधर से आदमी एंटर कर रहा है, उसी सीन का दूसरे सीन का आदमी इधर से एग्जिट कर रहा है, ये इसका मतलब है इधर भी दो होना चाहिए, इधर भी उधर होना चाहिए। जी बस उतनी बात है, आप नोट कर सब दूर जो आता है रोड से और दूर से लाजवाब, हम लोग उस समय मैं नहीं था चूँकि लैंड फाइनल हो चुके थे तब, या तो ऑडिटोरियम को दिया जाए
या ये पूरा पार्क के रूप में डेवलप कर दिया जाए कि सामने कोई स्ट्रक्चर ना हो, तब तो इसका मजा आएगा। जो व्यू है ये अगर हमारा ताल के किनारे से देखो इसका मजा कुछ और है। अरे सेकंड नंबर प्लॉट हो गया, फर्स्ट नंबर होता। हाँ पूरी मतलब ये कौन सा भैया मजदूर के मजदूरों की तो कमी नहीं, सारे श्रमिक यहीं आए 228, फिर भी अब तो 6 महीना करेक्ट, तो 6 महीना पकड़े के साथ 6 महीना पकड़िए मैं अपने तरफ से चल दूरी बनाओ क्या मतलब है बताओ, चल दूरी शेख लियो तुम पूरा लूंगा 2 महीने बाद एक राउंड और मारूंगा क्योंकि हमको यही रिपोर्टिंग करनी है ऊपर। ठीक है बिल्कुल क्लियर। मुझे लगता है कि समस्त पूर्वांचल में इतना सुंदर ऑडिटोरियम हमारे रंग कर्मियों के लिए, हमारे गोरखपुर पूर्वांचल के समस्त कलाकारों के लिए किसी ने नहीं सोचा, तो मैं धन्यवाद दूंगा राज्य सरकार हमारे पूज्य महाराज योगी महाराज जी को कि उनकी दूरदृष्टि की उन्होंने कलाकारों के लिए भी एक इतनी बड़ी रचना गोरखपुर के इस पावन धरती पे रखी है। तो यहाँ पर आएंगे तो ये ऑडिटोरियम में मुझे लगता है देश का कोई भी कलाकार एक बार यहाँ परफॉर्म करना चाहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये रामगढ़ ताल मुंबई के नेपेंसी रोड से भी सुंदर बन चुका है ये समस्त, और यहाँ पर ये ऑडिटोरियम है जहाँ पर कलाकार अपनी कला पेश करेंगे और पूर्वांचल की धरती जहाँ पर कलाकारों का जन्म होता है अधिक मात्रा में, उनको एक बहुत बड़ा जीवन दान मिलेगा, उनकी हौसला अफजाई होगी और ये बहुत बड़ी सौगात मुख्यमंत्री राज्य सरकार द्वारा गोरखपुर में कलाकारों को पेश की जा रही है, उनको तोहफे के रूप में दी जा रही है। इसका काम जोरों शोरों से चल रहा है, आने वाले समय में यहाँ पर अनगिनत कलाकार उभरेंगे इस रंगमंच द्वारा। लोगों को आगे जाने में और कितनी बड़ी आसानी होगी, बहुत आगे जाएंगे।